कहते हैं पुस्तकें संचित ज्ञान की जलती हुई दीपक हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में डॉक्टर एस बी सारस्वत मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल ई ऑक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्ट्रेटेजीज टू इंक्रीज प्रॉफिट थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट बुक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हर्ष मल्होत्रा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज शामिल हुए। साथ ही कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माननीय हर्ष मल्होत्रा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने डॉक्टर एस बी सारस्वत को उनकी किताब के लिए बधाई दी और कहा, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ना चाहिए। देश की तरक्की के लिए युवाओं को ईमानदारी के साथ मेहनत के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर एस बी सारस्वत मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबली ऑक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कहा, किताबें आपके दिमाग को खोलती हैं, आपकी सोच को बड़ा करती हैं और आपको मजबूत बनाती हैं। किसी भी बिजनेस को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हमें उसके बारे में विस्तार से जानकारी होगी। सही जानकारी सिर्फ हमें किताबों से ही मिलती है। कार्यक्रम में आए अतिथिगण ने अपनी अपनी बातें रखी और डॉक्टर एस बी सारस्वत की किताब की तारीफ की। साथ ही डॉक्टर एस बी सारस्वत ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण का धन्यवाद किया और अपनी किताब के बारे में जानकारी दी और कहा, किताब सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सारस्वत जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज के डिजिटल युग में किताब लिखना और जनता के सामने लेके आना और ऐसे टॉपिक्स जो आम जनता के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के युग में जो युवा बिजनेस करना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई बिजनेस करना चाहता है। सबसे बड़ा टिप तो टू गेट नॉलेजेबल, गेट एजुकेटेड and hard work. And hard work. This is the only two tips for the youngster. Thank you, sir. सर, आपने जो दो बुक लॉन्च किए हैं आज, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वो किताबें लिखता हूँ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंट्री के लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैल्यू देता है, वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है, उस तरह के मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने पहला जो कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स जो है एज ए जस्टिफिकेशन यूज करते हैं। दूसरी बुक मैंने जो लिखी है वो ई ऑक्शन के ऊपर लिखी है। ई ऑक्शन मीन्स बेसिकली आई हैव, हमारे चौधरी जी भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर के, उनको पता है कि ई ऑक्शन की जो प्रैक्टिकल गाइड बुक लिखी है उसको पढ़ करके लोगों ने बिजनेस चालू कर दिया। बुक लिखने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, मेरे इसलिए लिखना चाहिए, क्या चेंजेस देश के लिए आप कर रहे हैं, क्यों, आपका क्या मोटिवेशन? एक्चुअली मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं और मैं चाहता हूं कि न केवल मैं बल्कि मेरी जिस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं जिन्होंने काम किया है इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको सोसाइटी को बैक देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लिखें, बोलें, ट्रेनिंग करें और फाइनली कुछ न कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए अच्छा हो, उसी पर्पज के लिए। जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यूकमर्स हैं, उन्हें ये बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, उनको इससे क्या लाभ? ऐसा है कि ये जो बुक्स मैं लिख रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बुक्स हैं, 100% प्रैक्टिकल, जो अगर आप पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हो। थियोरेटिकल जो चीज़ें होती ये वो रिसर्च की चीजें होती है, वो नॉलेज की चीजें होती है, उनसे आप बहुत सारी नई चीजें क्रिएटिव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको अपने किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में काम करना है तो ये बुक्स बिल्कुल टू द पॉइंट, एक तरह से स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस की तरह लिखी गई हैं और इनको डायरेक्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो उस चीज को अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको फायदा भी होगा। कॉस्ट का फायदा होगा, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी
आपकी स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस होंगे और फाइनली ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट होगा, वही एक इसका पर्पस है। जो आगे लिखना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि क्या जरूरी होना चाहिए एक बुक लिखने के लिए, एक ऑथर के लिए? एक्चुअली जब कभी भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी में, तो उस टाइम पर आप अपने पॉइंट्स को लिखते जाएं, और जब कभी भी आपको समय मिलता है, चाहे वो दिन हो या रात हो या ट्रेवल हो, उसको पॉइंट्स को आप सेंटेंसेस में लिख करके करते रहें, तो ऑटोमेटिकली ये बुक के रूप में सबके सामने आ जाता है। आपकी ये बुक्स कहाँ-कहाँ अवेलेबल है? ये मेरी बुक्स जो है आपकी अमेजन, मेरी सारी बुक अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, और प्रैक्टिकली जितने भी बड़े बड़े शॉप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हैं, उस हर जगह पे मेरी ये बुक्स अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं डॉक्टर एस बी सारस्वत अगर डालेंगे तो मेरी सारी बुक्स ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनली ये बुक्स यूज होती है। बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन है वो बुक जो है इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए, सारे कंट्रीज के लिए, पर्टिकुलरली सिंगापुर, लंदन एंड दिल्ली इज आल्सो, बॉम्बे, इन जगहों में तो बहुत ही ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।